वीडियो में मैंने आपको MC011 के मतलब आपको बताया था कि MC011 अकाउंट से हम कैसे रिमूव करवा सकते हैं ई पे को रिक्वेस्ट करके, और ई पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमसे पूछता है और हम उन डॉक्यूमेंट्स को कैसे अवेल कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे जब ना MC011 हमें रिमूव करवानी होती है ना, तो जो हमारे ऑर्डर्स होते हैं पेंडिंग में पड़े हुए या जिनमें हमने TBA की ट्रैकिंग दी होती है जो कि नॉन ट्रैकेबल है, तो उसका जो हल है वो हम मतलब कि फेक ट्रैकिंग लेके उसको सेट करते हैं। तो फेक ट्रैकिंग हम कैसे हासिल कर सकते हैं, तो आज मैं उसके हवाले से आपको बताऊँगा। जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में भी देख ही लिया होगा, फेक ट्रैकिंग के लिए हम गेट मोर ट्रैक्स को यूज़ कर सकते हैं, गेट मोर ट्रैक्स USA के लिए। तो अभी पहले मैं आपको USA के बारे में बताता हूँ, फिर आपको मैं UK के बारे में गाइड करूँगा। UK की जो ट्रैकिंग है ना वो लेनी मुश्किल है, मतलब कि आप USA में तो हम किसी भी सॉफ्टवेयर के ज़रिए जो है वो ट्रैकिंग ले सकते हैं, जबकि UK का जो है वो ऐसा सीन नहीं होता। UK का ये है कि ब्लू केयर की ट्रैकिंग आपको मिलती है नॉर्मली, तो ब्लू केयर की ट्रैकिंग एक ही तरह से हासिल हो सकती है कि आपका जो बाइंग काउंट होता है उसके साथ उसको अटैच किया जाता है ब्लू केयर का। तो जैसे वहाँ से आपको ट्रैकिंग मिलती है TBA की, तो वो आपको ब्लू केयर में कन्वर्ट करके दे देता है और उसके स्टेटस के साथ साथ अपडेट करता रहता है। जब वो डिलीवर्ड शो होती है अमेज़ोन की ट्रैकिंग, तो ये भी डिलीवर्ड शो करती है। तो अभी फ़िलहाल के लिए USA में जो है हम गेट मोर ट्रैक्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। गेट मोर ट्रैक्स, तो इसके प्लान्स देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ बेसिक्स प्लान बताए हुए हैं, 50 ट्रैकिंग्स ये दे रहे हैं $10 में, ठीक है, और $30 में दे रहे हैं 200 ट्रैकिंग्स, ठीक है। आपको 5 ट्रैकिंग्स जो हैं ये 0 USD फॉर 5 ट्रैक्स, ये आपको 5 ट्रैकिंग्स जो हैं ये आपको एज ए ट्रायल पीरियड में मिलेंगी, ठीक है, $50 की 500 ट्रैकिंग। लेकिन ये ना कुछ स्टेट्स में, इसमें ना गेट मोर ट्रैक्स में एक प्रॉब्लम है, कुछ स्टेट्स में ये वर्क नहीं करता। मैंने पहले इसको ट्राई किया हुआ, इन सबसे जो बेस्ट है ना वो मैं आपको बताता हूँ, वो है ट्रैक टैको बेस्ट है। मैंने अभी के लिए ये बाय किया हुआ है, 100 वाला बाय किया था। आपको मैं इसके प्लान्स शो कर देता हूँ जी, ये देखें $25 में आपको 100 मिलेंगी ट्रैकिंग, 25 डिवाइडेड बाय 25 डिवाइडेड बाय 100 आपको 25 सेंट की एक ट्रैकिंग यहाँ से आपको मिल जाती है, ठीक है। बाकी आप जैसे जैसे अपने प्लान्स बढ़ाएंगे तो आपको उतना ही डिस्काउंट मिलता जाएगा, 45 USD में 200 क्रेडिट्स, 106 में 500 क्रेडिट्स मिलते हैं आपको, ठीक है। इस हिसाब से आपको ट्रैकिंग मिल जाएगी, प्लान्स आपके सामने। अभी मैंने फ़िलहाल के लिए जो है वो $25 का मैंने बाय किया हुआ है 100 ट्रैकिंग्स, और इसमें ऐसा है कि आप ना ये वाला जो है ना मेरे, मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा ट्रैक टैको ही सजेस्ट करूँगा, क्योंकि इसमें जो है ना हम किसी भी कंट्री की बना सकते हैं, UK की भी इसी में बनती है, ठीक है। अभी के लिए हम यूनाइटेड स्टेट की देखते हैं, यूनाइटेड स्टेट में हम देख लेते हैं जी, डेस्टिनेशन डाल देते हैं न्यूयॉर्क, डेस्टिनेशन स्टेट भी न्यूयॉर्क भी डाल देते हैं, और यहाँ से आप अपनी डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी जो है वो 1 से लेके हम रख लेते हैं जी 3, ठीक है, 1 मार्च से 3 मार्च तक। इंट्रांसिस्ट भी आप ले सकते हैं जो कि इंट्रांसिस्ट ही शो करेंगी, ये आ गई हैं सारी, ये इंट्रांसिस्ट शो करेंगी, ये डिलीवर्ड वाली है, ठीक है। ऐसे आप डिलीवर्ड वाली भी ले सकते हैं, आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें UPS की चाहिए या FedEx की चाहिए, जौन सी भी ट्रैकिंग आपको चाहिए आप ले सकते हैं, और यहाँ से अपने ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लेते हैं, अर्लीस्ट शिप डेट या शिपमेंट ओरिजिन जो भी है अपना ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे जो है ना हम बना सकते हैं इसकी
जो यूनाइटेड स्टेट की ट्रैकिंग है, ठीक है। तो यहाँ से हम गेट इन करके गेट ट्रैकिंग नंबर और उसको ट्रैक कर सकते हैं जो है फेडेक्स की जो वेबसाइट है वहाँ पे, ठीक है। अभी हम बनाते हैं जी, अभी देखें अभी यूके की ट्रैकिंग कैसे बनानी है। यूके की ट्रैकिंग बनाने के लिए ना हम इसी सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे। हम जस्ट यहाँ पे कंट्री चेंज करेंगे तो हमें कि यूके की वैलिडेट ट्रैकिंग मिल जाएगी। हम यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम करते हैं और सिटी में, यहाँ पर मेरे कुछ आर्डर्स पड़े हैं मैं उनमें से सिटी उठा लेता हूँ, न्यू कैसल उठा लेते हैं, ठीक है। न्यू कैसल पेस्ट करते हैं यहाँ पे ले आकर ला के, और अपनी डेट जो है वो सेलेक्ट कर लें जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद आपने देख लेना डिलीवर्ड या इन ट्रांजिट, जो भी आपने ट्रैकिंग लेनी है आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो फेडेक्स जो है वो इंटरनेशनल है, तो इसलिए फेडेक्स मैं आपको सजेस्ट करूँगा फेडेक्स की ट्रैकिंग लें। तो न्यू कैसल की शो कर रहा है, इन ट्रांसिस्ट लेनी चाहे लेना चाहें जो कि इन ट्रांसिस्ट ही शो करती रहती है, बस एस्टिमेटेड डिलीवरी टाइम बताती रहती है। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है, शिप डेट जो है इनकी ट्रैकिंग्स की, और बाकी जो है डिलीवर्ड भी आप ले सकते हो, डिलीवर्ड भी शो होती है, ठीक है। तो जो अभी मैंने डेट सेलेक्ट की है उसके उस हिसाब से, मतलब डिलीवर्ड अभी कोई नहीं है इसलिए नहीं शो हो रही। आप ऑप्शन जो है सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने जो बनाई थी पहले ना, ये देखें न्यूयॉर्क मैंने यूएसए की बनाई थी, और साथ में ये एक यूके की मैंने बनाई थी जो कि डिलीवर्ड थी। तो इसको हम चेक करेंगे फेडेक्स की जो है ना, फेडेक्स की जो वेबसाइट है ना उस पर हम चेक कर लेंगे इसको। ये देखें ये डिलीवर्ड शो कर रही है, न्यू कैसल यूके की शो कर रही है डिलीवर्ड। तो यूके की ट्रैकिंग बनाने का सबसे इजी जो है मेथड ये है, ठीक है। तो बाकी जो ब्लू के की ट्रैकिंग है वो तो हमारे पास बाइंग काउंट होगा तो फिर ही, आजकल जो लोग डिस्काउंट पे ऑर्डर्स वगैरह लगवाते हैं उनको फिर वो ओरिजिनल ट्रैकिंग प्रोवाइड कर देते हैं, जो उनके होते हैं क्लाइंट्स वगैरह आके जो लगा रहे होते हैं उनके ऑर्डर्स, तो वो उनको प्रोवाइड कर देते हैं जो अमेजोन की ओरिजिनल ट्रैकिंग है। तो आपको पता है कि वो ट्रैकेबल नहीं होती, ठीक है। तो डीबीए की ट्रैकिंग जो है वो ट्रैकेबल नहीं होती, तो इसलिए इसको फेडेक्स को ट्रैक ट्रैकर को हम यूज़ करके यूके की ट्रैकिंग बना सकते हैं फेडेक्स की, ठीक है। तो होप यू गाइस लाइक द वीडियो। तो अभी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक्स।